जिंदगी, जस्ट टाइप इन जिंदगी, जिंदगी, दैट्स राइट, जिंदगी, जिंदगी मीन्स लाइफ, और जिंदगी या लाइफ के मायने अब इस तरह से डेवलप हुए हैं कि पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वी मे एवर स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ दिस वे. सो टुडे एज आई बिगिन दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू ऑफ मूव अप, मूविंग अप इन लाइफ, I am inviting you to something very, very interesting right now. Right now, dear friends, I want you to really connect to the very fact that you and I are alive. Hum log zinda hain, bandhu. Hum log zinda hain. Aur kyunki hum zinda hain, hum kuch karenge. Let's be absolutely clear. Bahut kuch, bahut कई, बहुत लोग हैं जो इस दौरान जिंदा नहीं हैं, हमारे बहुत करीबी लोग जिंदा नहीं हैं, लेकिन यह मौका है कि हम उनको सैल्यूट करें और कहें कि सुनिए, हम जिंदा हैं और हम जो बाकी लोग जिंदा हैं उनके लिए हम जुटकर कुछ काम करेंगे. इसलिए मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि हम लोग सब एक साथ बोलें, जिंदा हूं मैं, जिंदा हूं मैं बंधु, जिंदा हूं मैं. आई एम अलाइव, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन फॉर मी, बिकॉज एज वी आर टॉकिंग ऑफ मूविंग अप इन लाइफ, मूविंग अप इज ओनली पॉसिबल, यू एंड आई कैन ओनली मूव अप इन लाइफ इफ वी आर कमिटेड कि जिंदा हूं मैं और इसलिए मैं कुछ खास करूंगा अपनी जिंदगी के लिए. अब मजेदार बात यह है कि हम सबके आसपास ऐसी ऐसी खबरें हैं कि हम लोग एक दूसरे को पूछते कैसे हो भाई, पूछो मत यार, पूछो मत यार. हम लोग व्हाट्सएप करते हैं वो खबरें जो हमको निचोड़ देती हैं. हम कुछ कर नहीं रहे लेकिन सिर्फ निचोड़ रहे हैं अपने आप को. हटाओ दोस्त, अगर सचमुच आप रिस्पेक्ट करते हैं उन सबको जो नहीं रहे हमारे साथ, तो आइए मिलकर कुछ खास करें अपनी जिंदगी के साथ. क्योंकि आई एम वेरी क्लियर डियर फ्रेंड, क्योंकि आप और मैं अकेले नहीं है, हमारे आसपास लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं. They are listening to us. They are looking at us. कहते हैं ना, माहौल ही बुरा है. माहौल कौन बना रहा है? माहौल मैं और आप बनाते हैं. आज इस conversation में, when we are talking of move up in life, we are saying we will alter it. जिंदगी अभी जैसी है वो है. अच्छी लग रही है किसी को? नहीं लग रही ना बंधु. Great. अच्छा चाहते हैं? Yes sir, yes. कुछ खास चाहते हैं कि नहीं? Yes sir, yes. जी हाँ, हम चाहते हैं. लेकिन मजेदार बात बताता हूं बंधु जी, अजय कुमार जी, जसपाल सिंह जी, जी मैं आपको बताता हूं, उस खास की तरफ अगर आपको बढ़ना है, उसके पायदान इधर से ही शुरू होते हैं, उसकी सीढ़ी यहीं से शुरू होती है. तो आज का जो कॉन्वर्सेशन है, मूव अप इन लाइफ, इज अबाउट द फर्स्ट स्टेप्स दैट यू एंड आई विल टेक टुगेदर इन दिस नेक्स्ट 30 मिनट्स. सो आर यू रेडी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ मूव अप इन लाइफ? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, सब चीज एकदम साफ रखते हैं बंधु. यू नो, यू एंड आई, हम लोग किस चीज के लिए कमिटेड हैं जानते हैं? हम लोग एक कहानी के लिए कमिटेड हैं, और वो कहानी है हमारी कहानी, जिसको मैं कहता हूं माय स्टोरी. आंट यू कमिटेड टू योर स्टोरी माय फ्रेंड? बोलिए माय स्टोरी, लिखिए माय स्टोरी. यस यस, माय स्टोरी. नाउ गेट दिस माय फ्रेंड, this is an opportunity for you to powerfully tell your story in the world, and that is why Rahejas have invited you here today. Hum sab apni kahani mein, apni kahani mein, apni life ki kahani mein kuch khaas karna chahte hain ki nahi? Ha yahan, dekhiye main aapko choice de raha hu, kuch khaas karna chahte hain ki nahi? Ha yahan, ji ha, hum karna chahte hain, hum log sab khaas karna chahte hain, hum log sab mauka dhoondte hain ki kuch khaas kaise kar paaye. और कुछ लोग हम में से ऐसे खुशनसीब होते हैं कि हम लोगों को मौका दिया जाता है. जानते हैं, हम लोग सब कहते हैं कि मैं कुछ अपने लिए करना चाहता हूं, अपने लिए करना चाहता हूं. बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं ना, दुनिया आपके लिए कुछ नहीं करेगी. अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं 55 साल का हूं, मैंने एक बात सीखी है, जितना मैं दूसरों के लिए करूंगा उतना ही मुझे मिलेगा. एज आई एम्प्लीफाई माई इंपैक्ट, द वर्ल्ड विल गिव मी. आप जानते हैं ना, आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सालों से आपने लोगों की सर्विस करी है, आपकी तरक्की हुई है, और वो तरक्की तभी हुई है जब आपने दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है. दिस
is a time when you can never ever forget that, my friend. जितनी देर आवे यार भाई मेरा क्या होगा यार मेरा क्या, कुछ नहीं होगा भाई, रोते धोते रहोगे और व्हाट्सएप फॉरवर्ड करोगे। मैं आपको सबसे पहले एक बात कहूंगा, सबसे पहले ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स को से बाहर निकल आइए, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दीजिए जो आपको सिर्फ इस तरह की खबरें देते हैं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट टूगेदर विद पीपल जो आपके साथ कैन का कॉन्वर्सेशन करते हैं। कैसे कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जुड़े बंधु? इसलिए मैं बहुत खुश हूं जब आज मैं आपके सामने मूव अप इन लाइफ के एक न्योता के साथ आया हूं, दैट इनविटेशन के साथ आया हूं। तो सबसे पहली बात, एक बात जान लीजिए, कोई भी अगर यस यस संदीप चौधरी यू कैन विन, वी कैन विन, आई लव द स्पिरिट, प्लीज गेट दिस, प्लीज गेट दिस एट द कोर, अगर आपको बड़ा बनना है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप में भूख होनी जरूरी है, जिसे मैं कहता हूं हंगर, हिंदी का शब्द कमाल है, भूख। क्योंकि जब तक भूख नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। आपको एक बात बताऊं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं जगह जगह जाकर मोटिवेशनल स्पीचेस देता हूं। जो भूखा होता है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कह रहा हूं? जी हां, बर्निंग डिजायर सतीश, जी हां, यस अद्रपीत, वी हैव टू स्टे हंग्री। और अगर आपके अंदर भूख है तो फिर आप लोग नहीं कहेंगे आओ भैया खा लो भैया, आओ भैया आपको मौका मिलेगा, आओ भैया मैं नहीं, भाई साहब मैं जाकर ढूंढूंगा और मैं काम करूंगा। आई एम इनवाइटिंग यू टू द रियलिटी ऑफ लाइफ दैट व्हेन यू आर हंग्री देन यू विल सीक अपॉर्चुनिटी। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर दिस आफ्टरनून द रहेजा हैज इनवाइटेड यू टू मूव अप इन लाइफ। आर यू गेटिंग अ सेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग? यस माय फ्रेंड अर्गनाग, it's not just a line that someone spoke. I'm inviting you to connect with your hunger. Now, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, सच बताइएगा, आप में से कितने हैं, ध्यान से सुनिएगा, कितने हैं जो अभी भी सपने देखते हैं? Yes, got it, Kanish, got it, Saurabh, got it, Harjinder, Shakti, fantastic, I just love the energy of the entire team, fantastic, nearly 700 people, that energy, I love it, superb, I want you to dream, my friend, wo sapne zaruri hain, main sapne dekhta hoon, 55 saal ki umre mein main sapne dekhta hoon, kyunki wo sapna hai ek magnet, sapna ek chumbak hai, jo aapko is waqt se us taraf khechta hai, isliye zaruri hai ki aap sapna dekhein। ये जो पूरी बातचीत हो रही है, ये बात हो रही है अपने उन्हीं सपनों को साकार करने की। कई बार हम लोग कहते हैं क्या देखना है यार सपने, सपनों का क्या होता है, कुछ होता नहीं। होता है दोस्त, आपने सपना देखा है तभी आप यहां पर बैठे हैं, आप यहां पर आए हैं क्योंकि आपने सपना देखा है, ये पूरा रहेजा ग्रुप यहां पर खड़ा है क्योंकि किसी ने सपना देखा था। हिम्मत चाहिए सपना देखने के लिए और हिम्मत चाहिए सपने को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले प्लीज 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 सपने देखिए और सुबह उठकर जुट जाइए उन सपनों को पूरा करने के लिए। ये मेरी जिंदगी का फलसफा है। आई वॉच अ ड्रीम एंड दैट ड्रीम इज पावरफुल इनफ फॉर मी टू पुल। मेरी शुरुआत भी दिल्ली से हुई बंधु। दिल्ली में एक जगह मैं रहता था, उसका नाम था लक्ष्मी नगर। जानते हैं लक्ष्मी नगर? मुझे पता है आपने क्या कहा होगा, अरे हाँ जमुना पार यार, जमुना पार का विद्यालय, हाँ पता था यार जमुना पार का। काम तो गुड़गांव में प्रॉपर्टी बेचते भैया, जमुना पार का बंदा है, जमुना पार जानते हैं ना? लेकिन मैं आपको, आप में से कुछ अगर 80s के नहीं है, मैं आपको बता दूं, अभी तो दिल्ली का दिल बहुत बड़ा हो गया बंधु। जयपुर से लेकर आगरा तक सब कुछ दिल्ली NCR में आ गया है ना? लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब लक्ष्मी नगर वगैरह था जमुना पार, शकरपुर, शाहदरा, जमुना पार, लोग हिकारत की नजर से देखते थे, पीपल यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन इट। पर क्या करूं, मैं वहीं का था बंधु। कुछ कुछ वो वक्त इस वक्त जैसा है, जहां पर लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, बुरा वक्त है। लेकिन मैं एक बात समझ गया था वहां पर, इट डजंट मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से आया हूं, सिर्फ ये मैटर करता है कि मैं किस तरफ जाना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, वहां आप जहां पर भी हैं, जिस भी इस वक्त में हैं, बुरे वक्त में हैं, जो भी वक्त है, डजंट मैटर माय फ्रेंड, क्योंकि हिस्ट्री, क्योंकि इतिहास आपको पहचानेगा कि आपने, आप किस तरह बढ़े। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं बंधु, ऐसा मत सोचिए कि मैं कमजोर हूं, देखता हूं क्या दुनिया होती है,
दुनिया बनती है आपके और मेरे जैसे लोगों से बंधु। मैं विलन हूं, 230 से ज्यादा फिल्मों में विलन बन चुका हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का नायक हूं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई, आई वॉन्ट यू टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ हीरो इन योर लाइफ। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपने अंदर के नायक को पहचाने एंड डिसरप्ट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड क्रिएट दैट फ्यूचर दैट इंस्पायर्स यू। अब देखिए, जस्ट लुक एट द सिचुएशन, आजकल लोग क्या कह रहे हैं? स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ। दुनिया तो आपका काम कर रही है भाई, दुनिया आपको रिमाइंड कर रही है, आपके फ्यूचर कंज्यूमर्स को रिमाइंड कर रही है भाई, अच्छा घर रखो। This is an extraordinary opportunity, my friend. I really want you to understand. जिंदगी बनती है जब हम contribute कर पाते हैं। ये सचमुच lockdown का वक्त है, बाहर नहीं निकल सकते, तो करें क्या? देखिए, हमने जिंदगी को एक fixed धर्रे में सोचा है। काम कैसे करते हैं? सुबह निकलते हैं, नाश्ता करके निकल जाते हैं, लोगों से मीटिंग करते हैं, लोगों को जो भी करते हैं, लोगों को प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, फिर वापस आते हैं, लंच करते हैं, फिर निकल जाते हैं। जिंदगी वो पुराने धर्रे से नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, पता है मैं दिल्ली से निकला, बंबई पहुंचा, तब बंबई का नाम बंबई था, मुंबई नहीं था। वहां से कुछ साल काम करने के बाद दक्षिण की तरफ गया, अलग अलग जगह घूमता रहा। मैंने एक चीज पाई है, अगर मैं अपने काम करने के ढर्रे को फिक्स्ड रखूं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। हर कुछ दिन मुझे अपने काम करने के ढर्रे को बदलना पड़ता है। आई विल हैव टू ऑल्टर द वे आई हैव सक्सीडेड बिकॉज लाइफ and time is changing. So in this period, consider a working day can be from home. Mera, main ek abhineta hoon. Saath saath main, I do programs like this for organizations. Mera jo dincharya thi, the way I work altered. Hum log jis tarah se kaam karte hain, jaise main aapko batata hoon. Kehte hain ki jab machhuare nikalte hain bade bade ships mein jaake, machli pakadne jaate hain, jab toofan aata hai to kya karte hain? मछली पकड़ते हैं या नहीं पकड़ सकते भाई साहब, उनको अंदर रहना पड़ेगा, तब टाइम होता है उनका हाउसकीपिंग का, तब वो अपने नेट्स को सिलते हैं, बाकी सब चीजों की तैयारी करते हैं। जो जो यंग मछुआरे होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। दिस इज माय फ्रेंड्स अ पीरियड फॉर यू टू डू दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाउसकीपिंग बिकॉज दिस टाइम विल चेंज। और मैं आपको बता रहा हूं, इस मौके को देखकर कुछ आप ही में से हैं जो इसी मौके पर खुद पर काम करेंगे, अपने को एलिवेट करेंगे, स्टेप अप इन लाइफ अपने आप को करेंगे, अपनी कंपनी को करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी टीम को करेंगे, कि जब फाइनली वो जब हमको ऐसा वक्त आएगा, कुछ ही महीनों में, शायद कुछ ही महीनों में, शायद कुछ और दिनों में, लेकिन जब वो वक्त आएगा, देन यू विल बी हिटिंग द रोड रनिंग। दिस इज द टाइम फॉर यू टू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड इंप्रूव। नाउ लोग मुझे कहते हैं कि हाउ डू आई डू बिजनेस इन दिस टाइम? बिजनेस किसके साथ करते हैं हमारे दोस्त? मैंने अभी कुछ बताया ना, बिजनेस आप किसके साथ करते हैं? हु डू यू डू बिजनेस विद? हु वुड लाइक टू टेल मी, हु डू यू डू बिजनेस विद? किसके साथ बिजनेस करते हैं आप बताइए? क्लाइंट्स, फैंटास्टिक, ओके, गुड, वेरी गुड। पीपल, आई लाइक दैट वर्ड, पीपल। आई लाइक somebody said, पीपल आई नो, फैंटास्टिक। इन्वेस्टर्स, यस my फ्रेंड, पीपल। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। किसी ने जिसने कहा था ना कि पीपल एंड फ्रेंड्स, पीपल्स फ्रेंड्स, पीपल आई नो। कोई भी इंसान जब किसी सेल्स वाले को मिलता है, कहता है यार बेचना चाहता है, लेकिन एक आदमी खरीदता है अपने दोस्त से जिसको वो ट्रस्ट करता है। डू यू नो डियर फ्रेंड, ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं होता, ट्रस्ट इज नॉट ओवरनाइट। आज हम रह जा प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि दे हैव बिल्ड द ट्रस्ट। नवीन जी ने कितने सालों से काम किया कि आज हम उनकी कंपनी को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं। सो रिमेंबर, दिस इज द टाइम फॉर यू टू एनहांस द ट्रस्ट दैट योर फ्यूचर क्लाइंट्स विल हैव विद यू। दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट इन टच। देखिए, कुछ एक लोगों ने पहले आपको कहा होगा आज हम खरीदेंगे, लेकिन अब उनको फोन करना बड़ा अजीब लगता है, क्या पता उनके ऊपर क्या विपदा गुजरी है। तो दिस इज अ टाइम नॉट जस्ट फॉर कोल्ड कॉल्स फॉर बिजनेस, बट टू फाइंड आउट हाउ दे आर। माय फ्रेंड्स, दिस इज अ टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट
डीपर इनटू रिलेशनशिप्स। चहु दिशा में आपको काम करना है, शायद घर पर बैठकर ही, शायद दिस इज द टाइम फॉर यू टू गेट एक्टिव ऑन जूम, स्टार्ट गेटिंग क्रिएटिव। किस तरीके से आप अपने उन लोगों को जिनको आप जानते हैं या अभी जिनके क्वेरीज आ रहे हैं, जो सिर्फ जानना चाहते हैं, जिनको महसूस हो रहा है हाँ यार थोड़ा बड़ा घर होता तो अच्छा होता यार, एक ऑफिस के लिए अलग रूम होता तो अच्छा होता। Now this is the time for that two bedroom wants to go into three or three to four or four to bungalow, bungalow to the gated community. This is an opportunity for them because wo log, they're scared. They don't know what the future is. Now imagine if they are scared and they meet you who are scared. हम तो डर की बातें करेंगे, मुझे नहीं चाहिए बंधु, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुझे उम्मीद देते हैं। आप लोगों को उम्मीद देते हैं। घर एक बहुत बड़ी चीज है बंधु, बहुत बड़ी चीज। आप लोग प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, आपको लगता होगा क्या घर है, अरे घर है एक एक बाय है। नहीं बंधु, मुझसे पूछिए, घर बहुत बड़ी चीज है। जब आदमी को घर मिलता है ना, वो बहुत खुश होता है, वो चाहता है घर। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी अ फ्रेंड फॉर पीपल लाइक मी, ऐसे लोग जिनको शायद कुछ और चाहिए लेकिन पता नहीं, डरे हुए हैं वो, उनको आपको हौसला देना है। दिस इज व्हाट आई कॉल एम्पलीफाइंग योर इंपैक्ट। अभी तक आपका कान था, फोन आया, उनको दिखा दिया, नहीं बंधु। बिजनेस की एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप जब अपने आप को ग्रो करेंगे, आप पाएंगे द मेन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बायर इज द कस्टमर एक्सपीरियंस, कि आपके साथ उनसे बात करके कैसा लगता है। You know, interacting with me, what did you get? What extra did you get? This is an opportunity, my friend. Stay home, stay safe. Start connecting with people. Ask them, कैसे हैं आप बंधु? कोई जरूरत है कि नहीं? मैं बताता हूँ आपको, जब जब हम कुछ नई चीज, जैसे मैं आपको हो सकता है आज कुछ नई चीजें सजेस्ट करूंगा, ठीक है? मैं हो सकता है नई चीजें, और आपके जो फिक्स धर्रे में नहीं हो रही, कैसे करेंगे ना? डर लगेगा। उसको हम कहते हैं, मैं कहता हूं द रिंग ऑफ फायर। हम लोग ना अंदर एक सेफ जोन में रहते हैं, कई बार वो जो सेफ जोन होता है वो कंप्लेन का जोन भी होता है। हाँ यार बड़ा बुरा काम चल रहा है, बड़ा देखो गवर्नमेंट अच्छा करेगी तो कुछ होगा, ये अच्छा करेगी तो कुछ होगा, दुनिया कुछ अच्छा करेगी तब मेरा अच्छा होगा। दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टेप आउट नॉट फ्रॉम योर होम, लेकिन अपने दायरों से बाहर निकलें, और वो जो आग चारों तरफ दिख रही है कि मुश्किल कैसे कर पाऊंगा, अपने को कैसे डेवलप कर पाऊंगा, इस नई टेक्नोलॉजी को कैसे सीख पाऊंगा। माय फ्रेंड्स, आई टेल यू वन थिंग, अगर आग से आपको डर लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आग से नहीं डरता। फायर इज नॉट स्केयर्ड ऑफ फायर, यू आर फायर माय फ्रेंड। अपने को, आप भीगी बिल्ली नहीं है। अगर आप भीगी बिल्ली होते तो आप इस प्रोफेशन में नहीं हो सकते। आपने दिल्ली की गर्मी में अपना काम किया है, बहुत बुरे हालात में आपने काम किया है, आज भी यह मौका है कि आप आगे बढ़े। आई एम वेरी वेरी क्लियर टू यू, दिस इज द टाइम व्हेन न्यू लीडरशिप्स आर गोइंग टू डेवलप। आपने सोचा था मैं इतना ग्रो करता तो अच्छा होगा, दोस्त अब मौका है। पिक्चर अभी बाकी है बंधु, आपको शुरुआत करनी है दोबारा। और you're very lucky क्योंकि आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जिनका रिप्यूट है, और वो जब कह रहे हैं मूव अप इन लाइफ, दे आर नॉट ओनली आस्किंग द क्लाइंट्स टू मूव अप इन लाइफ, दे आर आस्किंग यू टू मूव अप इन लाइफ, फॉर यू टू ग्रो, एक्सपैंड बियॉन्ड एनीथिंग। एंड यू नो व्हाट इंस्पायर्स मी, आर द स्टोरीज दैट आई एम हियरिंग, पूरी दुनिया की जो मैं स्टोरीज सुन रहा हूँ, कि लोग जो अपने इस वेव के बाद निकल रहे हैं, वो लोग नए घर खरीद रहे हैं, अपने से जितना बड़ा घर था उससे बड़े घर खरीद रहे हैं, लेकिन लोग खरीदेंगे तभी जब उनको आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास आदमी को तभी मिलता है जब वो किसी आत्मविश्वास वाले शख्स से मिलता है। दिस इज द टाइम फॉर यू टू क्रिएट द फ्यूचर डियर फ्रेंड। आज के दिन को डिस्कस करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आज के दिन से पायदान बनाकर उस पावरफुल फ्यूचर की तरफ जाने से आपका फ्यूचर बनेगा। यू ओ दिस टू योर फैमिली माय फ्रेंड, यू ओ दिस टू योर फ्रेंड्स, यू ओ दिस टू इंडिया। आपको पता है कि हम और आप जब बिजनेस करते हैं, हम सिर्फ अपने घर में पैसा नहीं लाते, हम हमारे देश की इकोनॉमी में कुछ ऐड करते हैं। ये मत सोचिएगा कि हमारे देश को पॉलिटिशियंस चलाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले चलाते हैं, हमारे देश को हम चलाते हैं बंधु।
We are the drivers. We are the leaders of this country. This conversation is for you and I to really, really take responsibility of ourselves. हमें अपना ख्याल रखना है कि यस ये टाइम डेंजरस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में दब के बैठे रहेंगे. हम घर में जम के काम करेंगे. वी विल क्रिएट कनेक्शंस, वी विल क्रिएट होप इन पीपल. आई प्रॉमिस यू डियर फ्रेंड, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ये एक मौका है कि आप अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में जाने जाएं कि दिस इज अ पॉजिटिव पर्सन, यार ये कुछ अच्छा काम कर रहा है. और अंत में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, हम जब जब इस तरफ बढ़ते हैं, जब ऐसी ऐसी फ्यूचर की तरफ हम अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे पावरफुल मैग्नेट्स आपको बनाते हैं द फ्यूचर ऑफ इंडिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड टू रिमेंबर, कैसी बातें कहेंगे हम इस पूरे पीरियड के बारे में? क्या सिर्फ दुख दर्द और हार की बात करेंगे, या बताएंगे कि इस दुख दर्द और जो लोगों ने खोया है उसके बावजूद हमने कुछ अचीव किया है अपने लिए, अपने देश के लिए? जी हां बंधु, इस पीरियड में लोग ग्रो कर रहे हैं, इस पीरियड में लोग ग्रो करेंगे. हम और आप सचमुच बहुत लकी हैं कि हम लोग अब इस वक्त जिंदा हैं. और अगर जिंदा हैं, लेट्स क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी विद आवर लाइफ. फॉर मी, मेरी लाइफ होती है हर रोज. मेरी लाइफ के लिए मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं होती. मेरी लाइफ होती है मैं इसी वक्त बैठकर अपने दिमाग को किस तरह से इस्तेमाल करता हूं. मूव अप इन लाइफ डियर फ्रेंड, अपने दिमाग को भी अलग अलग अतरंगी तरह से सोचें. मैं प्रॉमिस करता हूं आप इन बातों को सुनकर सचमुच अपने बिजनेस को, अपनी जिंदगी को नया आयाम देंगे. एंड यू आर अगेन आई एम सेइंग वेरी वेरी लकी कि रहेजा जैसे इस एंटायर यू नो वंडरफुल उन्होंने प्रेजेंटेशंस किए हैं. दीज आर ऑल अवेलेबल फॉर यू. रीच आउट टू योर पीपल एंड से दे लुक, दीज आर द पॉसिबिलिटीज, इन्वेस्ट इन देम. अब तो किसी भी टाइम आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. सो डू मोर विथ योर लाइफ, मेक अ डिफरेंस विथ योर लाइफ. एंड रिमेंबर, ये सब जब हो जाएगा ना बंधु, कुछ साल बाद जब आप वापस देखेंगे इस पीरियड में, क्या कहना चाहते हैं आप अपने बारे में, क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, या क्या कहेंगे मोहल्ले वाले आपके बारे में कि आपने कुछ खास किया? अगर ये आपको आकर्षित करता है तो आइए जुट जाते हैं इस समय को. यकीनन कदम बनाते हैं, स्टेप्स बनाते हैं फॉर दैट फैंटास्टिक फ्यूचर दैट इंस्पायर्स यू. एट दिस मोमेंट आई वांट टू इनवाइट द एब्सोल्यूटली आई मीन इंस्पायरिंग नयन रहेजा जी टू ऑन टू द स्टेज. And Nayan, it'll be an absolute pleasure to, if there is any question that has come up and you want to put forth, I would love to. Ashish ji, thank you very much for an explosive speech. I think people must be really, really inspired. I'm absolutely kicked right now listening to what all you've had to say. I think you've been really, really inspirational to all our channel partners. And in fact, I was thinking while you were speaking that maybe we should call upon you more often to, you know, speak to all of our, other associates. But you've been fantastic. You've had a phenomenal journey. In fact, a couple of weeks back, I was watching, one of your movies. You've been noted as an exceptional actor as well. You've had a great journey so far. There are two questions I'll ask you. One, I think we will take from the audience as we speak. So anybody who's got any question can start putting it up and we'll choose one question to answer from there. The other question I thought I'll just ask you, which is a personal question. I personally, I feel, that I'm, I think a lot about things. I'm personally very spiritually inclined. I always feel that whatever happens in life happens for a reason. And whenever something of a global scale has happened in this world, I've always tried to put two and two together and try to see, why are things happening? Why is the earth headed the way it is? Why does God think the way he does? Why is there pain and suffering in this world? Is it that earth is a place where we are all supposed to learn lessons, evolve? Humanity is supposed to learn how to love. What is the purpose? That is
a very, very large question, but within the purview of that question, why is all this happening? What do you think? This is a personal view. I know it's got not much to do with real estate, but maybe there can be a hidden message. Why do you think so much death, suffering, so many people, crores of people are dying across the globe? And what do you think God is thinking? What is he trying to point towards? What is the direction he wants to put humanity in? And what do you think can be our learning from that? What do you think that, what is the right direction for humanity going forward? So, Nayan, this is the third time that I'm meeting. First time I met you, the beginning of March 2020, on a gathering like this, was a family friend. And today, and then we had the interaction. So I'm really very happy to see the depth with which you look at life. And, you know, I had that feeling even when we were curating this program. To consider for a moment, is sawal se main joodhta rehta hoon ki kya ho raha hai bhai? Na sirf is samay, alag-alag samay par. Main, hum log kehte na ki mera purpose kya hai? Hum log dhoondte rehte hain ki main kis liye jee raha hoon. Maine ek interesting cheez paayi hai bandhu. मैंने पाया है कि मेरा पर्पस है कि मैं जो इस वक्त कर रहा हूं उसको बहुत अच्छी तरह से करूं, क्योंकि इसी इस पल के बाद मैं निकल सकता हूं। वो चाहे मैं एक ग्लास पानी पी रहा हूं, या चाहे मैं किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं ऐसे, या चाहे मैं एक शॉट दे रहा हूं, चाहे मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहा हूं, दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूं, किसी की मदद कर रहा हूं, हाथ पकड़ के किसी को खींच रहा हूं, या गिर के उठ रहा हूं, मेरा पर्पस जो भगवान रब जो मुझे हम सबको बताता है कि जो काम तुम कर रहे हो उसको अमेजिंगली करो, क्योंकि पता है बूंद बूंद से सागर बनता है। और मैं सालों पहले जब मैं फिल्मों में उतरा, आप में से बहुतों ने मेरी फिल्म देखी होगी जिद्दी में, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक मेन विलन का रोल नहीं था, मेरा एक छोटा रोल था, महत्वपूर्ण रोल था लेकिन उतना बड़ा नहीं था। लेकिन उसी दौरान जिद्दी बनाते बनाते स्ट्राइक हो गई, फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो गई, दो महीने हो रही है, तब ना स्टीम बैग पर एडिट होता था, तो स्ट्राइक हो गई और वो लोग बैठ के एडिट कर रहे थे। खैर उसके बाद स्ट्राइक खुली, उसके बाद मैं अपने डेथ सीन के लिए पहुंचा, तो वो सीन है जिसमें सनी देओल साहब मेरे घर आते हैं और रिंग मिलता है, मुझे बहुत मारते हैं और मैं मर जाता हूँ। अगर आपने पिक्चर देखी होगी, मैं नहीं मरा उसमें, तो हुआ ये मैं भी मरने के लिए गया था, बहुत पिटा। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कैसे मरूंगा, बता दे। मैं बहुत जूनियर, शुरुआत थी मेरी, चलो बता देना आशीष, ऐसे करते रहे। लास्ट में टीनू वर्मा जी ने बताया, अभी पंच पड़ेगा आशीष, तू ग्लास ब्रेक करेगा तो बाहर गिरेगा। तो मैंने बोला, टीनू जी मैं बाहर जाके क्या कांच से मरूंगा कैसे? तो मरेगा नहीं तो बच जाएगा। सर मैं तो मरने वाला हूँ इस सीन में। एंड देन ही शेयर्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विद मी। उन्होंने मुझे बताया कि ड्यूरिंग दिस, वो जब स्ट्राइक हो रहा था, जब काम नहीं था, मेरे पास काम नहीं था, मतलब बाय द वे ये कोविड के पहले हम जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए बहुत बार ऐसे हो चुका है जब काम नहीं था, पैसा नहीं, बहुत हिले हुए थे दोस्त, हम लोग शुरुआत कर रहे थे। लेकिन तब एडिटिंग के दौरान उनको लगा, ये जो एक्टर है ना, ये ठीक कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, इसको रोल बढ़ाओ। तो वो जो जगह जहां पर मैं पिट के मरने वाला था, मैं बच गया। कहीं ना कहीं मैं जिंदगी के हर अंश में देख पाता हूं कि there is a design that someone has for each one of us. हम लोगों को वो कुछ चुनौतीपूर्ण चीजों से गुजारता है, पर जिंदगी आगे भी है, पिक्चर बाकी है, जिंदगी जो है इस वायरस से लंबी है। हम लोगों को सिर्फ इस मौके पर भी हमें वही करना है, अपने काम को अमेजिंग शिद्दत से करना है बंधु, क्योंकि वही एक चीज है जिससे हम वी मेक अ डिफरेंस टू लाइफ। और मैं जब जब इसे देखता हूँ, सचमुच मैं भी बहुत हारा फील करता हूँ। किसी ने मुझे पूछा, What motivates Ashish is that I want to live a life with a smile. I love it when I can bring a smile to others. मैं अपनी जिंदगी के पैमाने को इस तरह से मानता हूँ कि क्या मैं कुछ खास कर पाया, और जब मैं खुद को कह पाता हूँ कुछ कर पाया, अच्छा लगता है। तो इन सब चीजों से अगर हम देखें कि हम दैनंदिन जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने बाहर आसपास में, टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स अ कंट्री, टुवर्ड्स अ वर्ल्ड, कुछ अमेजिंग कर पा रहे हैं। और हमारा अमेजिंग जरूरी नहीं है कि आप एक बड़ा अस्पताल खोल पाए तभी आप अमेजिंग करेंगे। आप अपनी तरफ से अपना काम अगर कुछ खास तरीके से कर पाओ, आई प्रॉमिस यू माई फ्रेंड, आई प्रॉमिस यू, यू विल फील ग्रेट।
पीपल विल बी इंस्पायर्ड बाय यू. पता है इससे एक जत्था बन जाता है, इससे एक जत्था बनता है जब और लोग भी कहते हैं अरे यार कुछ खास करते हैं, ऑर्डिनरी नहीं करते, कुछ खास करते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी करते हैं. एंड दैट इज व्हाट आई सी दिस अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड नयन, आई सी दिस अपॉर्चुनिटी जो आप पहुंच रहे हैं अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी में. आप बैठे बैठे आपके प्रोजेक्ट्स को देख रहा था, वाओ व्हाट अमेजिंग विजन यू हैव. सो इट इज ऑल इनसाइड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी विथ योर डे. आपकी टीम वही काम करेगी, वही उतने घंटे का, लेकिन उसमें कुछ खास कर सकते हैं क्या? So that's what I understand, that what is our purpose and what we can do, whatever life throws at us. I absolutely 100% agree with what you're saying. I think this is, if anybody can take one thing from life, you know, it is just too big for us to understand. But one thing we can understand, I think, from everything, you know, that's happening even right now, at least let's do our best in whatever we are capable of doing. And that's the privilege of life. नयन, वो हमारी जिंदगी का प्रिविलेज है. हम खुश नसीब हैं कि हम जिंदा हैं. इसलिए मैंने शुरुआत की, मैं जिंदा हूं. हम लोग एक एक ने बोला मैं जिंदा हूं. अगर मैं जिंदा हूं तो मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ खास करूंगा. इनफैक्ट नयन, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा नवीन जी को. नवीन जी यहीं पर हैं और बहुत अच्छा होगा कि अगर हम नवीन जी से सुन पाए, क्योंकि उन्होंने तो एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, उन्होंने एक एक गजब 5,000 रुपए से सुना है, उन्होंने 80s में काम शुरुआत की. तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी कि इस दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान, अगर हम उनकी जिंदगी के कुछ यू नो चीजें शेयर सुन पाए, बहुत फर्क पड़ेगा. नवीन जी स्वागत है आपका. नमस्कार टू एवरीवन एंड आई एम सो मच इंप्रेस्ड by your motivational speech today. सच में ऐसे टाइम के ऊपर जब हम सब नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, you know, you really need to understand that in life, whenever you pass through a test, there is something better waiting ahead. I have seen my life right from my childhood. I was just born to a common family. My father was in government service and that too on transferable job. Studied in government schools. A small vision was given at the very early stage in life that you have to come first and you have to change this country. Now you see my monogram, Raheja Developers. Look at it carefully. I think people might not have noted it. I'm carrying this flag throughout my life. Wow, 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 wow. I will change this country. Wow, wow, wow. So it is engineered for a change. Wow. So remain always be carrying that dream from the childhood to change the country. I always was told by my mother that you have to be first always in everything. And I proved myself by the blessings of Almighty. I think there is a divine power which drives us all. It gives us a lot of strength. It gives us a lot of belief. And when you have belief in yourself, and then when you know that you have to achieve it, the life's meaning changes. You start living beyond yourself. Wow, 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 wow. So that is how from childhood hamesha first aao, board exam hua. Us time ka board exam mein pari 5-6 lakh bachche hi hote the. There ye district exam, again topper, board exam, again topper. I mean, while I was still studying on National Scholarship, Government of India naturally at that time was supporting such people, such students. NTSC बोलते हैं यार, National Talent Search Exam, NTSC. I passed NCERT also, but I was, there is another scholarship which is higher than that. Okay. That is National Scholarship. Exactly. मेरे ख्याल से उसका ही नाम था सर. National Talent is a competitive exam. Okay. And merit both. Wow. Fine. So that is if you don't get through a you know top. Top 120 guys in India will get national scholarship.
which is sponsored by President of India. And then if you still you want to study, you are meritorious. It's not 120 or 140 students only. So then you appear for a competitive exam, or a threshold limit is there that you are one among the top. Mm-hmm. And then you appear for that. And if you clear that, you get that scholarship also. So you get second opportunity. So studied NASA scholarship entitles you to study up to whatever level you want. I could study even till date, free of cost on government. So that gives you, empowers you to study whatever you want to. Science talent is only science. Correct, correct. No, in my case, it was not science. I had chosen my own career. Fantastic. So I did economics honors at that time. Then I did business economics, Master of Business Economics. Simultaneously, I did journalism. Wow. And at the time when I was studying at that time itself, I lost my father also, but my scholarship supported, but that was not enough to take care of and contribute to the entire family. So I started working simultaneous to my studies. So my business started in almost 1974-75. It has been more than 45 years. Wow. I have moved on from step to step to step to step. Never looked back. I never thought about a problem. I just calculate my path, look at myself, can I do it? Then I say, okay, I will do it. Difficulties will be there, Almighty will help me, and I'll achieve it. I always could achieve it, but I never left an opportunity. साल के शुरू लाइफ में शुरू में ये होता था कि यार पहला एक लाख कमा लिया ना तो आगे निकलने के रास्ते खुलेंगे वही शायद आजकल एक करोड़ होता होगा या पांच करोड़ होता होगा तो पहला ये होता था कि यार कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देनी एंड जितनी जल्दी है आई मस्ट एम्पावर माई सेल्फ टू बी एबल टू सेल्फ सस्टेन गवर्नमेंट ऑफर्ड मी लॉट ऑफ यू नो आई गॉट थ्रू इन लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आई कुड हैव बीन अ सीनियर आईएएस ऑफिसर I could have been a bank chairman retired. I could have been, you know, admiral in Indian Navy or air marshal because I cleared all these exams at that time, officer level, but decided to be on my own because if you have to contribute to country and change the flag, then you cannot do that. You cannot be subservient to anybody else. You have to lead. So I was leading all through my life, remained, never lost an opportunity. God had been very kind. But the next mantra, I was carefully listening to you. Next mantra I want to give to all my audience today. Meri ek baat yaad rakhna. Aap successful nahi hote. Aapko successful duniya banati hai. मैं आज नवीन रहेजा हूं तो इसलिए हूं क्योंकि मैंने को लोगों ने एक्सेप्ट किया है दे हैव पुट देयर ट्रस्ट एंड फेथ ऑन मी अगर मेरा कोई घर नहीं खरीदा होता तो मैं रहेजा डेवलपर्स थोड़ी होता आज मेरे को कोई भी अगर सपोर्ट करता है तो वो वही करता है सोच के करता है कि इफ आई अलाइन विद दिस पर्सन देयर विल बी अ बेटर फ्यूचर जो कस्टमर इन्वेस्ट करता है वो सोचता है कि देयर विल बी वैल्यू फॉर मनी And God has always been so great कि मेरे को जब भी मैंने किसी के हाथ इस धरती माँ के ऊपर टच करवाए हैं तो गोल्ड हुआ चाहे मैं अपने लिए नहीं ज्यादा सोचता I just look at good work and customer को मैं कैसे best value for money दे सकता हूँ अगर मैं ये successfully कर दूंगा तो मेरे को success chase करेगी मुझे success को chase नहीं करना है So it goes like that. आज मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ये बोलना चाहूंगा आप ये कोविड को क्या देख रहे हैं इट इज अ जस्ट अनदर चैलेंज एंड दिस चैलेंज इज गिवन बाय गॉड ऑलमाइटी गॉड दैट आई हैव गिवन यू टेक्नोलॉजी आई हैव गिवन यू लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमैनिटी व्हिच हैज हैपेंड ओवर लास्ट वन सेंचुरी और रादर ओवर लास्ट जस्ट 40-50 इयर्स
इससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि वी विल बी सिटिंग एंड टॉकिंग लाइक दिस. ह्यूमैनिटी हैज बीन देयर सिंस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स और रादर मिलियंस ऑफ इयर्स. लेकिन इस तरीके से लोग बात करेंगे और इस तरीके से लोग कम्युनिकेट करेंगे और इस तरीके से लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन ही पिछले 50 साल में हो रहा है. दिस इज हैपनिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. दिस इज हैपनिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ इट्स नॉट ओनली आवर बॉडी. आवर बॉडी इज जस्ट अ फिजियोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. इट विल लीव अ लेगेसी एंड अ सिस्टम ऑन विच अनदर सिस्टम विल गेट बिल्ट. सो यू हैव टू राइज अप एंड कॉन्ट्रीब्यूट. So it is here that you are looking, you must look at an opportunity. आज हम जिस तरीके से बैठ के बात कर रहे हैं, आप ये सब तैयार हो जाएं, align with me, align with my company. We are working and next, I think 10-15 days, we will be there with you on your app itself. Wow. That you will be able to communicate. You will be knowing online what is there and how I can benefit. I will look at it that Raheja is on your mobile phones, going with you as a friend, as a associate, as an opportunity which is in your hand. We will make it for you. And we will like you that you give that opportunity and that rise to your customers. Everybody is suffering. Many people are suffering. We must try to help them as much as we can. I'm doing my own way. I'm taking care of more than, in this pandemic itself, I'm taking care of more than 20,000 slum dwellers. I'm taking care of my workers who are not going because I'm taking care of their food. I'm taking care of their timely payments. I'm taking care of their vaccinations have been started because nowhere else, even 18 years ka nahi hua, humne yahan pe shuru karwa diya hai. So we are taking care of everything. We have to keep going. That, yes. That way, this is the time to build your relationship also. Aap logon ki help karo. Aapke saath apne aap log judenge. Don't just look at on self. It's very sad that some of us might have lost their relatives, their friends, their close ones. And for that, I will rather say that in a few words that we also share your grief, but life has to move on and let's try to make a better life. We are able to make a better life. Our friends, our elders, our associates who have gone to a next journey, cosmetic, in the cosmos. They will also feel that still I have my own people who are doing good for the planet. So let's look at the larger aspect to everything. हमारे साथ जुड़ेंगे. हम मेरे ख्याल से मैंने रहेजा में आज 40 साल से मेहनत करके बनाया है. कभी अपने आप को आगे नहीं रखता हूँ. हमेशा ये रखते हैं कि क्या अच्छा ऐसी चीज बनाए जो दूसरे लोग ना दे पाए. We are there with a product of 10 lakhs. Jaise aapne stay home, stay safe bola hai. We have to cater to everyone. Be it a slum dweller to be waiting to get his house. Be it affordable housing segment. Or be it a person who can afford an apartment at 30 or 40 or 50 crores also. We serve anybody. We are making tallest tower in Haryana. We are making tallest tower in Delhi. And we are creating those landmarks in a way that which in a way and in a quality which may last for thousands of years. Qutub Minar bana tha 2012 mein, wo India ki gulami ka prateek tha. Hum naveen minar bana rahe hain jo aaj azadi ka prateek ban raha hai. So let us all work together. Let's look at opportunity. Let's come to a new world order. एंड अगर हमारे साथ चलेंगे, चलो काम करेंगे या नहीं करेंगे, कितना भी करेंगे, लेकिन एक बार आप हमें देख लेना कि हम आपको एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सिखाएंगे बाय पुटिंग सक्सेस ऑन योर फोन. आपको बहुत मुश्किल नहीं होगा कि अगर आपके पास 10 लाख वाला अफोर्डेबल हाउसिंग का क्लाइंट है जो
ये सोचता है कि यार वे ब्याज लगाते हैं इंस्टॉलमेंट पे, ब्याज के बिना मुझे घर मिल जाए अगर, तो मैं ले लूंगा 10 साल की 20 साल की किस्त में। वी विल गिव यू सच स्कीम्स ऑल्सो विच विल कनेक्ट टू द कस्टमर कि आप घर लीजिए 20 साल में पैसे देना, कोई बात नहीं, हम आपको ये स्कीम भी देंगे आने वाले कुछ दिनों में, जिसमें जो कि कस्टमर के लिए है कि उसने 2-4 लाख रुपए अपनी जेब से अभी जो बचाए हुए हैं लगा लिए, लेकिन स्टे होम आज अगर फैमिली एक्सटेंडेड हो चुकी है और कोरोना होने के बाद हमारे आपके पास जगह नहीं थी कहीं और जाने की, तो वो जगह आपके लिए हम क्रिएट करेंगे, आपके कस्टमर्स के लिए क्रिएट करेंगे। और सेफ, वी विल क्रिएट इट, वी विल बी शॉर्टली क्रिएटिंग ए टाउनशिप विच विल बी टोटली इंडिपेंडेंट, विच विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ द टोटल पेंडेमिक्स ऑल्सो, जहाँ पे कोई भी चीज जो अंदर आएगी तो वो पूरी स्क्रीन होके आएगी अंदर, और अगर फिर भी अंदर कुछ होता है तो यू वॉन्ट हैव टू रन, विल नॉट हैव टू रन फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर्स और फॉर क्रिटिकल केयर और एनीथिंग। वी आर क्रिएटिंग सच टाउनशिप, यू विल कम अक्रॉस दैम इन 3 to 6 months, न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स with a new changing world. So let's all align, and I'll look forward to be able to associate with all of you, and maybe many of your friends also. You must convey them that Staheja will create an opportunity for you despite all the challenges which have been forced upon by the sheer irresponsible behavior which we did in the emerging humanity, जो इस time हमने create किया है, global warming or global pollution and global destruction, तो उसमें उसकी this is just pandemic is just a correction to teach you a lesson, to teach all of us a lesson, give space to the other species also, give space to the planet also, and do have a coexistence, live with the new system. So thank you. I think with this I will say hamare saath aaiye, hamare aap hamare yahan properties mein invest karenge, you are investing in a faith, in a belief, in a trust, in a legacy which has been created with lot of hard work, dedication, truthfulness. Hum us tarike se nahi hai ki hum aapko वो चीजें कमिट करेंगे जो कि हो नहीं सकती हैं। हम आपको 24% का रिटर्न नहीं दे पाएंगे कमर्शियल में, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन हम वो जरूर करेंगे जो एक्चुअल में आपके कस्टमर के फेथ के साथ लाइफ में आपके आपके कस्टमर्स के साथ और हमारे साथ मिलके चलेगा। थैंक यू। आई थिंक दैट वाज अ आई थिंक टक्कर दे रहे हैं आशीष जी आपके साथ मोटिवेशनल स्पीकर में। आई थिंक पापा भी नवीन जी इज सो वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू सो मच नयन। एंड समथिंग आई टेक अवे फ्रॉम दिस, नवीन जी ने जो बात कही कि मैंने तो एक बात तो कही ही थी कि मैटर ये करता है कि इस दौरान मैंने एक सवाल किसी का पढ़ा, वन लेडी हैड आस्क्ड दैट हाउ कैन वी कनेक्ट, कोल्ड कॉल्स कैसे करेंगे, यू आर नॉट मेकिंग कोल्ड कॉल्स, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग वार्म कॉल्स जिसपे आप लोगों को पूछ रहे हैं क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। और मेरे ख्याल से आप सब अपने अपने जितने भी लोगों को जानते हैं वीकली इस तरह के जूम मीट्स भी करें आपके कुछ, और पूछिए उनके लिए हम लोग क्या आपस में क्या कर सकते हैं, इट विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो थैंक यू नवीन जी फॉर रियली इन्वाइटिंग एवरी वन टू लिव बियॉन्ड आवर यस्टरडे। हमने कल जो सब किया आज हमारा आने वाला कल उससे बड़ा होने वाला है, right. और कुछ नई आइडियाज के साथ हम आएंगे, जैसे नवीन जी ने बताया सम सो मेनी न्यू आइडियाज, एंड देयरफॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई ऑल वांट अस ऑल टू नोटिस, आफ्टर 45 इयर्स ऑफ हिज ऑर्गेनाइज ही स्टिल एजाइल। वो कह रहे हैं अगले 3 महीने में वो एक ऐसे एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट बनाना चाहते हैं जहां पर विच विल बी पैंडमिक सेफ। तो ये एजिलिटी जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ला सकती है, क्या आप नहीं ला सकते? सो मेरे ख्याल से प्लीज लुक एट योरसेल्फ एज समवन जो अपने पुराने ढर्रों को छोड़ के नए आयामों को अपनाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आज आपने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ बात करने का।
नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, नयन बहुत बहुत शुक्रिया, संगीता बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, रेनू और आप सबको थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट, स्टे होम स्टे सेफ एंड मूव अप, स्टे विद अस, थैंक यू, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, इट वाज रियली मोटिवेशनल स्पीच फ्रॉम योर एंड, वी रियली एंजॉयड इट एंड आई होप एवरीवन एंजॉयड इट, एंजॉयड द सेशन, ऑल राइट, थैंक यू, ऑल राइट फ्रेंड्स, सी यू सून, थैंक यू सो मच आशीष जी, नवीन जी, नयन जी, for all the positivity and energy. I'm sure you all must be feeling charged. With that note, thank you everyone for joining us today and we look forward to seeing you again in the next webinar. Till then, stay masked, stay home, stay safe. Thank you.